दुर्गेश जी सर, दुर्गेश क्या फॉल्ट है इसमें? सर इसमें चार्जिंग नहीं हो रहा था। कुछ काम किए तुम? जी सर, चार्जिंग आईसी चेंज किया फिर भी काम नहीं किया सर। अच्छा, दुर्गेश ने इसमें चार्जिंग आईसी चेंज किया है और काम नहीं हो रहा है, अपन इसको डायग्नोस कर रहे हैं। हेलो यस सर। तो यहाँ पर रियलमी दिखाई दे रहा है आपको। हेलो सर, मुझे एक सिरा ग्राउंड लगाना पड़ेगा जो कि मैंने सिम कनेक्टर पर टच करके रखा हुआ है, और एक सिरा यहाँ स्विचिंग पे रखूंगा। तो यहाँ पर पल्स बनने चाहिए, और ये पल्स कैसे होने हैं अभी देखते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। देखो कोई भी पल्स नहीं है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर? Yes, sir. इसके लिए हम यहाँ पर एक बार फिर से ऑटो दबाएंगे, दबाओ ऑटो। तो कोई भी पल्स नहीं है, स्विचिंग नहीं हो रही है, स्विचिंग ही नहीं हो रही है, तो आईसी ऑन ही नहीं हो रही है। हेलो yes, sir, sir. तो ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको? yes, sir. ऑटो का बटन दबाओ। ये होती है स्विचिंग, फोटो खींचो स्विचिंग की। ये होती है एक आईसी, स्विचिंग आईसी का रियल फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा स्विचिंग हो रहा है। फोन को लेके बैठे हैं फिलहाल एक फोन, ये फोन हमारा एक स्टूडेंट का है, दुर्गेश। जी सर। दुर्गेश क्या फॉल्ट है इसमें? सर इसमें चार्जिंग नहीं हो रहा था। कुछ काम किए तुम? जी सर, चार्जिंग आईसी चेंज किया फिर भी काम नहीं किया सर। अच्छा, दुर्गेश ने इसमें चार्जिंग आईसी चेंज किया है और काम नहीं हो रहा है, अपन इसको डायग्नोस कर रहे हैं। हेलो यस सर। और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं, और क्या हमें भी चार्जिंग आईसी चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं। देखो जब भी कस्टमर का काम आपके पास आए तो सबसे पहले ना बोर्ड को डायग्नोस करना है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि सेट इन्होंने चार्जिंग आईसी के लिए दिया है, तो हो सकता है कि ये सेट भाई चार्जर लगाने पर कुछ नहीं आ रहा हो, तो अपन सबसे पहले इसको एम्पियर में ही चेक करेंगे। सब लोग एम्पियर को देखो यहाँ पर, तो मैं इसको पूरी बैटरी लगा देता हूँ, और अब यहाँ पे मैं टाइप सी यूज करूंगा, और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा टाइप सी है वो सबसे आखिरी वाले पोर्ट में लगा हुआ है। हेलो yes, अगर हमें कुछ भी एम्पियर मिलना चाहिए, अगर हमें कुछ भी एम्पियर नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ भी डिटेक्शन कर नहीं रहा है। तो देखो मैंने पूरा लगा दिया, और अब इसको अंदर लगाया, अभी भी 0-0 है। हेलो yes, फोन की हालत देखो, फोन में भी कुछ भी हरकत नहीं हो रही है। इसका मतलब ये बोलते हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो 5 वोल्टेज है वो हमारा सही तरीके से आईसी तक पहुंच नहीं रहा है, और चार्जर लगाकर अगर हमें कोई भी डिस्प्ले भी नहीं मिलता है, चार्जिंग ना हो उसके बाद की भी बात है, हो सकता है फेक चार्जिंग आ रही हो। हेलो yes, और यहाँ तो चार्जिंग डिस्प्ले भी नहीं मिल रहा है, yes, मतलब यहाँ चार्जिंग शो भी नहीं हो रही है। एक और बात, ये चार्जिंग का जो डिस्प्ले बनता है चार्जर लगाकर, ये बनता है जब हम चार्जर लगाते हैं और हमारी DC to DC आईसी तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे 5 वोल्ट ऊपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे पूरी तरीके से, और अब हम इस सेट को पहले डायग्नोस करेंगे। DSO अभी रख दो, अब जब ऑन करेंगे तब सामने रख देना है, यहाँ पर रख दो DSO पीछे, ठीक। जब इसको ऑन कर लो, जब हम इसको चेक करेंगे ना तो यहाँ पर सामने रख देना DSO। अब सब लोग देखो, किसी भी रिपेयर हुए सेट को या रिपेयरिंग में आए हुए सेट को सबसे पहले आई डायग्राम करना है, देखना है कि कहाँ पर काम हुआ है कहाँ पर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर पूरा पतरे लगे हैं, दैट मीन नेटवर्क सेक्शन और पावर सेक्शन को छेड़ा गया नहीं है। हेलो यस सर। और बकायदा जूम करके देखना है कि कनेक्टर टूटे तो नहीं है, कहीं अंदर कुछ लाइन कुछ भी कुछ फंसा तो नहीं है, देखें कहीं सोल्डर वोल्डर फंसा तो नहीं है, क्योंकि काम करने के बाद जब काम नहीं होता है तो टेक्नीशियन सीधे ऐसे ही छोड़ देता है सेट को, कहीं कोई कंपोनेंट निकले हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। NC चेक करना है कि NC है कि कहीं निकले हुए तो नहीं दिखाई दे रहे, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हमें चेक करना है। तो फिलहाल चार्जिंग सर्किट वो बात की बात है कि चार्जिंग सर्किट में जाना है तो पहले डायग्नोस करना है, पतरे देखना है नहीं निकले, कनेक्टर के हालात देखने हैं, खासतौर पर बैटरी कनेक्टर को देखना है। बैटरी कनेक्टर भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि आपका चार्जिंग ना हो, और आप पता चला आप
पूरे सेक्शन की आईसी होता है और आपका सिर्फ बैटरी कनेक्टर टूटा है या डिसोल्ड करना है आपको, तो ये दिमाग में रखना है। तो बैटरी कनेक्टर को हिलाकर चेक करना है, बैटरी कनेक्टर के जीआर लेना है। तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर के जीआर लेंगे क्योंकि चार्जिंग तो बैटरी से ही हो रही है। हेलो, हो सकता है कि बैटरी ही सारी सेंस ना कर रही हो, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो बैटरी के जीआर लेंगे, हम इसको डायोड मोड पर डालेंगे। तो बैटरी के जीआर मैं आपको वीवैक की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। डायोड रीडिंग लेंगे, एक इसमें माइनस है, एक प्लस है और एक आईडी और एक थर्मल की लाइन है। तो यहाँ पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको जो रीडिंग मिल रही है ये हमारे वीवैक की रीडिंग मिल रही है। हेलो, यस सर। अब इसको हम रिवर्स में चेक करेंगे, ये चेक करने के लिए कि शॉर्टिंग तो नहीं है इस फोन के अंदर। अब अगर रिवर्स में अगर हमारे को हजार के ऊपर रीडिंग मिलती है, किसके हजार, तो ये मान लो कि आपका फोन के अंदर प्राइमरी लाइन शॉर्ट नहीं है, मतलब वीवैक और बीपीएच लाइन शॉर्ट नहीं है। अगर आपको यहीं पर जैसे मैंने क्या किया, मैंने पहले ब्लैक को रखा था यहाँ पर तो वीवैक का रीडिंग आया था, रेड को रखा तो अब हमारा एक्चुअल में बीपीएच का रीडिंग आ रहा है। अगर ये 800, 700, 600 होता तो ये समझ लो ये ऑटो रीडिंग भी हो रहा है सेट, तो ये ऑटो रीडिंग होता। तो ये अपन इसको समझ सकते हैं कि ऑटो रीडिंग है या नहीं है, अभी ये सेट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद अगर हम थर्मल और ये हमारे आईडी की लाइन भी देखें तो ये भी हम इसको चेक करते हैं। रीजन इसलिए क्योंकि थर्मल और आईडी की लाइन में अगर आईडी की लाइन ओपन होगी तो हमारा चार्जिंग नहीं होगा, हमारा फेक चार्जिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? फेक चार्जिंग। आईडी बैटरी को सेंस करता है, आइडेंटिफिकेशन। सीपीयू जब तक बैटरी को सेंस नहीं करेगा चार्जिंग एनेबल ही नहीं करेगा। सो ये रीजन है। बट हम आईडी की लाइन चेक करें या नहीं करें, आओ इस पर भी बात करते हैं। अगर मेरा ये चार्जिंग इनेबल ही हो जाता और चार्जिंग फेक चार्जिंग होती, हेलो, यस सर, कि चार्जिंग सो हो रही है, यस यस सर, पर हमारे को चार्जिंग हो नहीं, तो आईडी चेक करते। आईडी इस कंडीशन में कभी चेक ही नहीं करते हैं जब चार्जिंग ही नहीं हो रही है, मतलब फोन में कुछ भी हरकत नहीं हो रही है। ये रीजन तब होता है जब चार्जिंग आईसी एज अ डीसी टू डीसी काम नहीं कर रहा है, हमारा चार्जिंग आईसी इनेबल नहीं हो रहा है, हमारा चार्जिंग आईसी ऑफ कंडीशन में। तो यहाँ आईडी का कोई रोल नहीं है। फिर भी हम आईडी चेक करेंगे, कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जीआर मिल रहा है और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी जीआर मिल रहा है। अब 2500 जीआर, 2300 जीआर और 600 जीआर का क्या मतलब है, ये हम क्लास में सीखेंगे जब हम अपनी वीवैक की क्लास करेंगे। हेलो, यस सर। 2500 जीआर में आप सर्किट भी बता सकते हैं कि कितने ओम्स का कौन सा कंपोनेंट लगा है और ये लाइन किस का आईसी की ओर जा रही है और इसमें पुल अप सर्किट है या क्या है, ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा मैं जब। बट अभी इस फोन के अंदर आईडी का सीन ही नहीं है। आईडी को तभी चेक करना होता है जब फेक चार्जिंग हो। हेलो, यस सर। फेक चार्जिंग है नहीं, क्योंकि अभी तो चार्जिंग सो ही नहीं हो रही है। यस सर। इसको कहेंगे हम चार्जिंग नॉट डिटेक्टेड, चार्जिंग नॉट डिटेक्टेड। अब हमें पीछे देखेंगे तो पीछे का बटन भी पूरा लगा है, सीपीयू को टच नहीं किया है, सबसे अच्छी बात यह है। और ये थर्मल, ये आपके पीछे का कवर भी लगा हुआ है। बट यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं। तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो चार्जिंग आईसी लगी है, एक आईसी लगी है आपकी बीक्यू लगी है। हेलो, बीक्यू एक एडवांस मॉडल में लगी है, यहाँ बीक्यू नहीं लिखा है। अभी की डेट में जितनी भी चार्जिंग आईसी में बीक्यू आ रहा है उसमें बीक्यू नहीं लिखा होता है, कुछ और लिखा होता है। रीजन ये है क्योंकि इसमें बीक्यू के दो नंबर में आता है, बीक्यू मॉडल के हिसाब से बदला जाता है। बट एक बीक्यू आता है मेन बीक्यू और एक टर्बो बीक्यू आता है। अभी अगर आप इसकी जगह पर 5A का बीक्यू लगा देंगे तो आपका सेट कभी भी ऑन नहीं होगा और चार्जिंग भी खत्म हो जाएगा। तो ये चार्जिंग आईसी नंबर के हिसाब से बदली जा सकती है, बट अगर नॉलेज हो तो हम इसको कोई और बीक्यू के साथ भी चेंज कर सकते हैं, जो कि हम देखेंगे। दूसरी बात, एक इसके साथ एक और चिप लगी हुई है, इस चिप का जो नाम है साउथ चिप। हेलो, यस सर। एससी बोलो, एससी। ये मॉड्यूल जो सर इसका, ये आपकी टर्बो चार्जिंग आईसी है। ये रियलमी के सेटों में आती है, टाउमी के सेटों में ना के बराबर, अगर मिलेगी भी तो बहुत महंगे वाले सेटों में, 5G के सेटों में। ये 5G के मॉडल में आती है, 4G के मॉडल में नहीं आती। साउथ चिप एससी ये यूनिवर्सल आईसी है, ये आपको रियलमी के अलावा और भी सेटों में मिल जाएगी, साउमी में भी मिल जाएगी, वीवो में नहीं मिलेगी। वीवो इस तरह के सेट बनाते ही नहीं है जिसके अंदर टर्बो चार्जिंग है। वीवो कभी भी टर्बो चार्जिंग को इतना हाईली नहीं बनाता है। वीवो एक्चुअली कुछ नहीं बनाता है, वीवो सब मीडियाटेक और क्वालकॉम बनाते हैं। तो अभी कैसा है, यहाँ पर बीक्यू रखी है पर
जिस बंदे ने ऑलरेडी उस पर काम किया है उस पर इन्होंने BQ भी चेंज किया था और इन्होंने BQ यहाँ पे चुकाया हुआ था, पर BQ हमसे निकल गया है तो हमारे पास इनका BQ नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि सर मैंने तो BQ बदला है और इन्होंने नंबर देख के भी बदला होगा, हेलो मतलब कोई एक सेम PCB से BQ उठाया होगा। अब हमें ये समझना है BQ के सप्लाई देखनी है। आप देखो तो यहाँ पे कुछ जम्पर नंबर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब ये जम्पर है, ये जम्पर मारा गया है, ये जो यहाँ पर कैपेसिटर है ये बूट कैपेसिटर है, ये 8 और 4 का वोल्टेज बनाता है। ये कैपेसिटर अगर निकल जाएगा तो हमारा फॉल्ट जाएगा फेक चार्जिंग, पर तब भी चार्जिंग तो इनेबल होगी। तो इसका भी अभी कोई काम नहीं है, तो कैपेसिटर को रिपेयर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैटर तो चार्जिंग का है ना भाई, चार्जिंग ही नहीं हो रही है तो क्या करें। तो अभी हमें यह देखना है कि इस BQ पर सप्लाइयां पहुंच रही है कि नहीं। तो BQ का एक यूनिवर्सल पॉइंट है, BQ कोई से भी नंबर की हो, BQ के एक नंबर पे 5 वोल्ट आने चाहिए। हेलो यस सर। अब इसका एक नंबर इसके नोज के पॉइंट पे ये दिखाई दे रहा है आपको, कल मैं पढ़ाऊंगा इसको IC के कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो लैग IC को एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, कैसे गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से गिनो 1 2 3 ऐसा करके। तो एक नंबर BQ का ये है। हेलो यस सर। अभी हम इस मल्टीमीटर को बजट मोड पे रखेंगे ये चेक करने के लिए कि ये एक मेन BQ है या किस तरह का टर्बो BQ है। अब ध्यान दो क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूं और मैं वीडियो में ये चीज डालना नहीं चाहूंगा, बट मैं एडिट कर लूंगा जब मैं वीडियो को डालूंगा। पर लाइव म्यूट है कि नहीं प्यारे, म्यूट है ये चीज क्योंकि नॉलेज नहीं है अभी पूरे YouTube में भी कहीं नहीं है। किसी भी BQ में बोलो, किसी भी BQ में 1 और 24 अगर बीप दे, अगर बीप दे तो वो मेन चार्जिंग ऐसी है। बोलो हेलो। अगर इस BQ के अंदर 1 और 24 बीप नहीं दे रही है, बोलो 1 और 24 तो वो टर्बो चार्जिंग ऐसी है, क्योंकि आपके साइड में 2 BQ भी हो सकती है। हेलो, और मैं आपको दोनों BQ का काम सिखाऊंगा, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो अभी हम ये हमारी मेन चार्जिंग IC है, तो फिर इसका मतलब ये वाली IC हमारी टर्बो चार्जिंग है। टर्बो चार्जिंग IC को निकाल दो तो भी आपका सेट ऑन हो जाता है और आपका सेट चार्जिंग लेता है, पर लो आपका वो स्लो चार्जिंग लेगा। क्या? क्योंकि मेन तो कर रहा है ना भाई, पर वो हाई एम्पियर ले जाने का काम टर्बो करता है। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, चार्जिंग भी ले रहा है और फोन को भी कोई सिग्नल नहीं दे रहा है ये करके, और हमारा कुछ भी नहीं है। तो हम सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, अब हम अपने चार्जर में लगाएंगे, उससे पहले हमें इस चार्जिंग IC के एक नंबर पे 5 वोल्ट ढूंढना है। उससे पहले हमारे को यहाँ पर कुछ USB IC कुछ अलग से ICR दिख रही है, ये ICR चार्जिंग OBP ICR है। बोलो, जिसमें एक दो MOSFET यूज किए गए हैं। बोलो, दो MOSFET, एक MOSFET ये यूज किया गया है, ये P चैनल का MOSFET है, इसको भी सिखाऊंगा चार्जिंग के सेक्शन में। सिर्फ 1 सेकंड में, सिर्फ 3 सेकंड में, एक तो ज्यादा कम हो जाएगा, 3 सेकंड में इसको बाईपास कर सकते हैं। और इसके बाद एक और MOSFET यूज किया गया है, ये OnePlus के सेटों में और सिर्फ Realme के सेटों में यूज करते हैं। तो ये MOSFET की पहले मैं कहानी बताता हूँ थोड़ा बहुत, इसका तो डायग्राम है नहीं। अब जैसा मान लो, डायग्राम तो किसी का भी नहीं है, हमें बिना डायग्राम बनाना है, पर हम थोड़ा सा समझने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास ये मॉडल आता है, अभी क्या लॉगिन है, हमारे पास ये मॉडल आता है, हमें सबसे पहले इस मॉडल का नंबर, मॉडल नंबर क्या है, रियलमी C35, ये कह रहे हैं रियलमी C35 है मॉडल नंबर। आप मॉडल नंबर निकाल सकते हो इसका, बैटरी के मॉडल नंबर से भी इसका मॉडल नंबर निकाल सकते हो। मतलब कस्टमर नहीं पता, कस्टमर मॉडल नंबर नहीं बता रहा है, तो आप इसका जो ये बैटरी का नंबर है, ये बैटरी का जो ये नंबर दिखाई दे रहा है ना, ये 1CP56693 ये दिखाई दे रहा है, ये डाल के भी आप इसका मॉडल नंबर निकाल सकते हो। तो रियलमी C35 C53 तो यहाँ पर हमने रियलमी का सेट पे जाएंगे, यहाँ पर बताइएगा C53 रियलमी के C53 में आप देखो तो कोई बिट मैप नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, कोई भी अब डायोड में क्या दिया है, डायोड रीडिंग हो सकती है, पर IC ऑन बोर्ड है। मिल गया तो आपको कोई और कुछ नहीं चाहिए, ना डायग्राम चाहिए,
ये वाला, और ये BQ और भी मुझे कई ICU में आ सकता है, मुझे इसका डाटा सीट मिल जाए, हेलो यस सर, ताकि मैं इसको कॉपी में उतार लूं और कभी भी अब दूसरे बार फोन आए और कोई भी मुझे डायग्राम ना मिले तो मैं डाटा सीट के हिसाब से काम कर लूं, समझ रहे मेरी बात? तो डायग्राम नहीं होते हैं सेटों के, पर सेटों के डाटा सीट होती है, क्या होती है? डाटा सीट। तो हमारे को ICU ऑन बोर्ड डाटा सीट ही देता है, तो हम यहाँ पर ये देखो, ये हमें पूरा स्प्लिट ICU के अंदर हर पैड को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सी पैड में क्या है। तो हमारे को ICU के अंदर अब जैसे इन्होंने यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये मॉडल डिफरेंट बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं ना यहाँ पर, हेलो यहाँ पर BQ उधर है और साउथ चिप यहाँ पे यूज की गई है, पर साउथ चिप के अंदर सारा यहाँ पर दिया है, पर यहाँ पे सिर्फ डायोड रीडिंग दी है, तो ये हमारे लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कई डायग्राम में यहाँ पर हमें देते हैं, पर यहाँ पर हमें डाटा सीट दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो VBUS लिखा हुआ है, TMID लिखा है, रीजिंग लिखा है, BTST, ये सारी कोडिंग हमें आनी चाहिए। BTST का मतलब होता है बूट कैपेसिटर, इस पे 8 वोल्ट बनते हैं। रीजिंग का मतलब होता है LDO की सप्लाई, ये सब तो कौन सी होगी, स्विचिंग नहीं होगी। और SW होता है स्विचिंग। तो खैर अपन ये सब चीज तब करेंगे जब अपन क्लास में अपन इसका पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, अब अपन इसको देखते हैं। अब अपन क्या करते हैं, अब जब डायग्राम नहीं है तो अपन नॉर्मली यूनिवर्सल तरीके से इसको बनाएंगे। IC बदलना, IC बदलेंगे या जो भी है। तो बैटरी निकाल ली, चार्जर लगाया और DC मोड में डाला। चार्जर लगाने पर कुछ भी हरकत नहीं हो रही है। अब यहां पर हम चेक करेंगे कि हमारे को इस BQ के 1 नंबर पे और 24 नंबर पे 5 वोल्ट आ रहा है, बराबर? यस सर। तो हम मल्टीमीटर को DC पे रखेंगे और चेक करेंगे। देखो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो चेक करो। तो ये इसका नोज कट पॉइंट है और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3.5 मिल रहा है, हेलो यस सर। BQ तो बदल ली है पर लाइनें चेक नहीं की है, तो इसका मतलब है कि BQ को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या 3.5 वोल्टेज IC को स्विचिंग करवा सकता है, क्योंकि जब तक ये IC स्विचिंग नहीं करेगी ये किसी भी लेवल पे BPH नहीं बनाएगी, क्योंकि DC to DC IC का काम BPH बनाना है। अब ये स्विचिंग कर देती है तो एटलीस्ट इनेबल कर देता सेट को और एटलीस्ट सेट ऑन हो जाता और चार्जिंग भी दिख जाती। पर अगर हम देखें तो ये 1920 नंबर का पैड है जो कि स्विचिंग का पैड है, यहाँ पर ये सब हमें सीखना है। 1920 यहाँ पर हमें बनने चाहिए वोल्टेज और DSO से फ्रिक्वेंसी, तो दोनों चीज चेक करेंगे। तो वोल्टेज अभी बनने चाहिए यहाँ पर जो बनते हैं वोल्टेज मिनिमम 3.6, मैक्सिमम 4.4, मिनिमम 3.6। अब देखो यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है, 3.6। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, मिली एम्पियर दिखाई दे रहा है, हेलो मिली वोल्टेज, मिली वोल्टेज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारी IC स्विचिंग नहीं कर रही है अभी। अब ये हमारा जरूरी नहीं है कि IC का काम है, क्योंकि अभी IC तो बदल ही गई है, और ये भी मैटर है अभी, तो हमें ये देखना है IC तब बदलेंगे ना भाई जब ट्रके सही हो, हेलो yes, यहाँ तो 5 वोल्ट ही पूरे नहीं आ रहे हैं। yes, अब हम DSO दिखाते हैं, DSO दिखाओ जरा। हो सकता है कि वोल्टेज ना बढ़ रहे हो पर IC स्विचिंग कर रही हो, तो अभी हम DSO से स्विचिंग को समझेंगे। मोबाइल पकड़ मुझे ना चाहिए और यहाँ पीरियड पर 1 kHz मिलने चाहिए, पर जब यही नहीं मिल रहे हैं तो आपको बोर्ड में क्या मिलेगी, तो इसीलिए इसको हम अभी कैलिब्रेट करेंगे। क्या करेंगे, कैलिब्रेट। तो इसमें एक डीले कलर का बटन है ऑटो का, तो हम इसको दबाएंगे। अब ये फ्रिक्वेंसी कैलिब्रेट हो गई है, तो नीचे आप देखोगे तो 1 kHz फ्रिक्वेंसी के नीचे 1.00 kHz लिखा है, हेलो यस सर। मतलब ये हमारा क्या हो चुका है, कैलिब्रेट। हम इसको कैलिब्रेट मैनुअल भी कर सकते हैं और ये हम इन 2 पॉइंट से करेंगे। यहाँ दिखाओ 2 पॉइंट, ये हमारा वोल्टेज का है, इससे वोल्टेज अप डाउन होंगे, ये जितने भी डिवीजन है ये वोल्टेज के हैं, और ये हमारे टाइम है, ये हमें बताएंगे कि हमारे को कम टाइम में देखना है कि ज्यादा टाइम में देखना है, तो ये हमारे टाइम है। खैर अभी अब हम स्विचिंग देखेंगे, स्विचिंग कैसे दिखाई देता है। तो देखिए मुझे एक सिरा ग्राउंड लगाना पड़ेगा जो कि मैंने सिम कनेक्टर पर टच करके रखा हुआ है, और एक सिरा यहाँ स्विचिंग पे रखूंगा, तो यहाँ पर पल्स बनने चाहिए, और ये पल्स कैसे होने हैं अभी देखते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं।
देखो कोई भी पल्स नहीं है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर? यस सर। इसके लिए हम यहाँ पे एक बार फिर से ऑटो दबाएंगे, दबाओ ऑटो। तो कोई भी पल्स नहीं है, स्विचिंग नहीं हो रही है, स्विचिंग ही नहीं हो रही है तो आईसी ऑन ही नहीं हो रही है। हेलो यस सर। तो अब हम पहले ये देखेंगे कि हमारा 3 वोल्टेज आ क्यों रहा है, जबकि हमारा कितना आना चाहिए। तो उसके लिए अब हम फिर से चार्जर लगाएंगे। ठीक है, अब ये दिखाओ, इसको रख लो बाजू में। अब देखो, अब इसके लिए हम अपने मॉस्फेट पे जाएंगे और हम देखेंगे कि क्या मॉस्फेट पे भी हमें यही वोल्टेज मिल रहा है, क्या ये प्रॉब्लम आ रहा है सब बोर्ड से, क्या हमारे को नीचे से ही 3.5 मिल रहा है, क्या सीसी खराब है, या हमारा सब बोर्ड ओके है, या हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। तो उसके लिए हमें नीचे जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, हम खोल सकते हैं, बट हम अभी मॉस्फेट में ही चेक कर लेते हैं। अगर हमको ये मॉस्फेट है और यहाँ पे ये इसका ड्रेन है, ये ड्रेन है और ये इसका सोर्स है और ये इसमें गेट यहाँ पे बीच में यहाँ पर दिया होगा और यहाँ पर ये इसका ड्रेन है, ये सोर्स है और ये इसका गेट है, ये मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो यहाँ पर मैंने टच किया, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमें मॉस्फेट में यहाँ पर कितने वोल्टेज मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने मिल रहे हैं, 5 वोल्ट। हेलो यस सर। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि मेरा सीसी ओके है, मेरे को नीचे काम करना नहीं है। ये 5 वोल्ट बीक्यू तक 3.5 जा रहा है सर, दैट मीन मेरे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। हेलो यस सर। और वोल्टेज ड्रॉप करने का काम प्रोटेक्शन आईसी करती है, कौन सी प्रोटेक्शन? और इसमें प्रोटेक्शन लगी है, मॉस्फेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मॉस्फेट। ये मॉस्फेट यूज किया गया है 3057। तो इस मॉस्फेट में अगर हम देखें यहाँ पर कितने वोल्टेज बन रहे हैं, देखो अगर आप देखो 5 वोल्ट। मैं अच्छे से टच करता हूँ, 5 वोल्ट। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कितने बन रहे हैं, ये इसका ड्रेन है, ये सोर्स है, ये इसका गेट है, 3.5। मतलब हमारा यही मॉस्फेट खराब है। तो हम पहले तो इस मॉस्फेट को निकाल देंगे और डायरेक्ट जम्पर मार देंगे। हेलो यस सर, समझ रहे मेरी बात? यस सर। और फिर देखेंगे कि कुछ काम होता है कि नहीं। पीसीबी प्लेट देना सर, होल्डर। तो पहले तो ये हटाना इसलिए जरूरी है, डायरेक्ट जम्पर नहीं मार सकते क्योंकि हमारा 3.5 को रोकना है हमें। बाजू में एमएनसी और सीपीयू लगा हुआ है तो थोड़ा सा हीटिंग को बचा के कर चलना है, बहुत ज्यादा हीट रखेंगे तो सीपीयू एमएनसी डैमेज होने का कगार पे बन सकता है। मॉस्फेट को अलग रख देंगे। अब क्योंकि ये ओपन हो चुका है, अब अपन को एक जम्पर लेना है और अब एक जम्पर वायर लेंगे। जम्पर वायर देखिए,
फिलहाल एक बड़ा जम्पर ले रहे हैं, काम होने के बाद में उसको छोटा करेंगे और यूवी से प्रोटेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सोल्डर यूज करेंगे। अब चेक करते हैं, ये वो आईसी थी जो इन्होंने चेंज की थी यहाँ पर इस सेट के अंदर, ये यहाँ रखी हुई है। बात काम नहीं हुआ, मुझे लगता है कि इनको आईसी चेंज भी नहीं करनी थी पहले नंबर पे। हेलो, अगर ये पहले से डायग्नोस करते हैं तो आईसी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे मेरी बात? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखो एम्पियर दिखाई दे गया है। हेलो, मिल गया ना? और हमारा फोन भी यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रॉपर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार डिस्प्ले करेक्टर मैंने यूज नहीं किया है, मैं डिस्प्ले करेक्टर लगा देता हूँ। चार्जिंग भी देखेंगे पूरा इनेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 एम्पीयर के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर रियलमी दिखाई दे रहा है आपको। हेलो, अब हम ये देखेंगे कि हमें चार्जिंग जो हो रही है कि नहीं हो रही है। एम्पियर हमारा पूरा 1 एम्पियर के ऊपर जाना चाहिए। तो अभी हम स्विचिंग भी चेक करेंगे। हेलो, यस सर, कि हम डीएसओ कैसी स्विचिंग कर रहा है, पहले कैसी कर रहा था, अभी वोल्टेज कैसे बना रहा है। तो पहले तो हम चार्जिंग इनेबल देखते हैं कि अंदर चार्जिंग इनेबल हो रही है, क्या पता अभी से ऑन ही हुआ हो सेट। तो यहाँ पर हम बेसिकली अनिल वो लाइव वाला कैमरा उसको दो, उसके बाद हाईलाइट करना सर के पास वाले कैमरे के साथ सामने स्क्रीन में। अनिल बैटरी नहीं निकला, वो चार्ज भी नहीं है। ये देखो, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे साइड तो हाईलाइट कर। चार्जिंग अपना देखेंगे इनेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये ना एक मोड में जा रहा है, वो डिस्प्ले वाला होता है ना सेंसर, ये देखो। सब लोग यहाँ पर ध्यान दो, ये दिखाई दे रहा है ऊपर साफ दिख रहा है यहाँ पे। देखो चार्जर लगाया, ये आ गया। तो ये चार्जर लगा, चार्जर थोड़ा ढीला है इसका, ये देखो आ गया यहाँ पर। हेलो, ये चार्जर ढीला है इसका, चार्जर हिला रहा हूँ। अब हम एक दूसरे सेट पे, अब हम एक दूसरे सेट पे जा रहे हैं। ये सेट ऑटो रीडिंग सेट है, पहले हम इसको डायग्नोस करते हैं, पहले हम इसको देखते हैं कि कितना ऑटो रीडिंग ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम डीसी मशीन को चेक करेंगे। तो हम डीसी मशीन को यहाँ पर ऑन करेंगे 3.8 के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम 3 के साथ भी कर सकते हैं, 3.8 के साथ भी कर सकते हैं, डीसी के प्लस माइनस लेंगे। अब अरे इसकी स्विचिंग भी दिखाओ ना उसकी, आओ अब इसकी स्विचिंग भी देखते हैं। नोटिस करो, और इसका वोल्टेज बीक्यू के वोल्टेज भी देखते हैं, और देखते हैं कि स्विचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है बीक्यू। देखिए चार्जर लगाएंगे और वायर लेंगे इसका, क्लीन करना, और एक बार इसको कैलिब्रेट करो, जरा टच करो, देखो इसकी वो आ रही है लाइट नीचे ग्राउंड और ऊपर हो, क्योंकि जिस तरीके से हिल रहा है, हाँ सही है, आ रही है। एक मिनट लगाओ, टच करो, टच करो, ठीक है। तो अब
कैलिब्रेट करना जरूरी होता है, क्योंकि जब जब इसको हाथ से टच करोगे ना तो ये ऐसे ही होता है, ये इसमें नॉइस आ जाती है बहुत ज्यादा। अब हम यहाँ पर रखेंगे और सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा स्विचिंग का पॉइंट है, और यहाँ पर आप लोग डीएसओ देखिएगा क्या हरकत कर रहा है डीएसओ। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ऑटो का बटन दबाओ, ये होती है स्विचिंग, फोटो खींचो स्विचिंग की, ये होती है एक आईसी, स्विचिंग आईसी का रियल फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारा स्विचिंग हो रहा है, इसका मतलब अब हमारा बीपीयू ऑन हुआ है सही तरीके से, ठीक है। रख दो डीएसओ को बगल में। अब यही अगर हम आईसी लगाकर स्विचिंग चेक करते तो हम ये समझ जाते हैं कि आईसी बदलने के बाद भी आईसी ऑन नहीं हो रही है, इसका मतलब आईसी के प्रोटोकॉल पूरे नहीं हो रहे हैं। हेलो, आईसी की अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो वो ऑन होगा क्या? नहीं होगा। तो हमें रिक्वायरमेंट सीखनी है, सीधी सी बात है। अब हमारे इंस्टीट्यूट कॉल है चिल्लाने वाली बात है क्या?